आज सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये किसी एक वजह एक के बंदे की वजह से नहीं जीते, ये आप एज अ टीम जीते हो और ये आपका बिलीफ था, हर एक बंदे का बिलीफ था कि हम कर सकते हैं और हम कर सकते हैं। सिर्फ अंदर से आवाज़ आने की बात है कि हम कर सकते हैं, तो वो आवाज़ आपको पता वो कब आनी है, वो कब लानी है। तो हर एक अपने अंदर ढांका करो कि मैं क्या हूँ। किसी को किसी पे उंगली उठाने से पहले पहले अपने गिरेबान में देखो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस टाइप का प्लेयर हूँ, मैं कितना कितने पानी में हूँ, मुश्किल सिचुएशन में मैं कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं कैसे टीम को निकाल के लेके जा सकता हूँ। वन साइड जितना चाहिए हम निकाल रहे हैं, कभी कभी मिलते हैं और यही मैंने कई बात की थी, ये मौके हैं अवेल करने के। इससे ये नहीं है कि आप सीखोगे, इससे जो चीज़ जो आपको सेटिस्फाई है वो इंजॉय करो, लेकिन इससे खुश नहीं होना। ये आखरत नहीं है, ये अभी स्टार्ट है। अभी बहुत से चैलेंजेस आने हैं, बहुत सी चीज़ें आनी हैं, बहुत सी हर्डल आने हैं। मैं आपको पॉजिटिव की नहीं बता रहा, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो हर्डल्स आने हैं ये तो अभी शुरुआत है, आगे बहुत बहुत अच्छी चीज़ें आनी जो आपको फेस करनी है, वो जिससे आपने लड़ना है, उससे लड़ना आना चाहिए। ये छोटी छोटी ये स्टेज होती हैं जिसको आप अपने आप को उसमें जब डालते हो ना, तो आपको पता लगता है कि यार मैं निकल सकता हूँ, हम निकल सकते हैं इसमें, मैं नहीं हम निकल सकते हैं। हमने जब भी सोचना है एज अ टीम सोचना है, इंडिविजुअल बाद में वो तीसरे नंबर पे आती है, पहले हमने एज अ टीम सोचना है हम कहाँ स्टैंड कर सकते हैं, हम कहाँ क्या कर सकते हैं एज अ टीम। सिर्फ ये बिलीव की बात है, जितना एज अ टीम बिलीव रखोगे ऐसे रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएंगे, ऑटोमेटिकली आप परफॉर्म अच्छा करो, ऑटोमेटिकली अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल भी होगी, टीम की परफॉर्मेंस भी होगी। इंजॉय करो, लेकिन इससे सीखो उसमें और क्या अच्छा कर सकते थे हम, ये देखो हम इसमें और अच्छा क्या ऐड कर सकते हैं, बॉलिंग में अच्छा क्या कर सकते थे, बैटिंग में क्या अच्छा कर सकते, मजीद अच्छा क्या कर सकते हैं, कहाँ पर हम थोड़ा सा बैकवर्ड गए हैं, इसमें कहाँ पर हमने एकदम क्या चीज़ हमने की कि हम एकदम मोमेंटम ऐसा है कि उनको गेम में भी नहीं आने दिया, वो देखो। सिर्फ ये नहीं देखे जिन्होंने खेला, बाहर बैठे हुए देखें कि भाई हमने वो मोमेंटम क्या था हमारा, वो टर्निंग पॉइंट क्या था, ये तो बता देंगे। आपको अपना खुद पता होना चाहिए, अब ये स्टेज वैसी कि आपको खुद सीखना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ नोट करनी पड़ेगी, तो इससे बंदा प्लेयर बनता है, इन चीज़ों से प्लेयर बनता है, इन चीज़ों से सीखता है। तो ये चीज़ें छोड़नी नहीं है और इस चीज़ों से कुछ नहीं होना, बस जीत लिया, जीत गए हैं एशिया कप, हम 23 का ये टीम जीत गई, ट्रॉफी लें, बड़ी चीज़ें आनी हैं। अब इससे आगे अगला चैलेंज देखो कौन सा, भाई कौन सा चैलेंज आ रहा है मेरे लिए, उसके लिए प्रिपेयर हो, हाँ इन्जॉय करो, इस विक्ट्री को इन्जॉय ज़रूर करो, लेकिन अगले के लिए प्रिपेयर शुरू दो हफ्ता जो भी करो, हर एक अपना पता, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन अगले के लिए प्रिपरेशन दिमाग में अभी से बढ़ा लो, क्यों छोटे छोटे गोल में हो ऐसे भी बढ़िया खेलेंगे। शो द बेस्ट और वेरी वेल डन यार।